नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कोसी इलेक्ट्रॉनिक्स में। दोस्तों आज का वीडियो जो है वो है P10 टाइल के ऊपर। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर दो लाइन कैसे चलाते हैं, तो आज जो है मेरे पास है यहाँ पे दो P10 टाइल है, उसके बाद जो है W0 कंट्रोलर है और मेरे पास है एक पावर सप्लाई। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में देखने वाले हैं कि हम लोग दो टाइल को एक साथ कैसे कनेक्ट करते हैं। इससे पहले मैंने बहुत सारा वीडियो लाया है, उसमें मैंने सिंगल टाइल को कनेक्ट करके दिखाया है। ठीक है, तो आज देखते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास दो टाइल हैं न्यू, तो दोनों को हम, ये हमारे पास जो टाइल है ये ग्रीन कलर का है, और यहाँ पे सबसे पहले जो है हम एरो का डायरेक्शन चेक करेंगे। अभी देखिए इसमें एरो इधर है, मतलब कंट्रोलर इस साइड लगेगा और ये ऊपर वाला पोजीशन है, और इस टाइल को जब इस टाइल के साथ जोड़ना है तो आप इस डायरेक्शन का ध्यान रखना है। एक तो एरो जो है मेरा ये इधर से इधर आ रहा है, मतलब कंट्रोलर इधर लगा है। ठीक है, और ये जो है डायरेक्शन ऊपर है, मतलब इसके ऊपर टाइल्स को लगाना है। ठीक है, यहाँ पे आपको रिबन केबल मिल जाता है। ठीक है, रिबन केबल को प्लग करना है, के बाद आपको ये है W0 वाईफाई कंट्रोलर, क्योंकि आजकल सब कुछ वाईफाई वाला हो गया है, तो मैक्सिमम जो भी अब डिस्प्ले बन रहे हैं सारे में यही कंट्रोलर यूज किया जा रहा है, ताकि लोगों को जो है टेक्स्ट अपडेट करने में कोई प्रॉब्लम ना आए, और इसमें किसी भी लैंग्वेज में टेक्स्ट अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको 12x1 एंड 12x2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो 1 वाले को 1 में और 2 वाले को 2 में कनेक्ट कर देना है। तो ये मेरा सबसे ऊपर वाला पैनल है, तो ये मेरा 1 नंबर हो गया, और ये नीचे वाला तो 2 नंबर। ठीक है, ये हमारा कनेक्ट हो गया है। अब मुझे जो है इसको पहले पावर सप्लाई से कनेक्ट करना होगा, टाइल्स जो भी हैं हमारे। ध्यान रखिएगा पॉजिटिव निगेटिव उल्टा नहीं होना चाहिए, नहीं तो टाइल्स में भी आपका ख़राब हो जाएगा। मैं यहाँ पे आपको दो ही कनेक्ट करके दिखा रहा हूँ, आप इसके आगे और भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो है रिबन केबल और ये पावर केबल आपको स्टाइल के साथ ही मिलेंगे, आप जहाँ से भी परचेज करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप हमारी वेबसाइट से भी परचेज कर सकते हैं या अमेजोन फ्लिपकार्ट से भी परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये रिबन केबल और इसके बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि हर एक टाइल के साथ जो सिंगल कलर वाले टाइल हैं उसके साथ ये केबल और ये पावर का वायर मिल जाएगा। कई बार मेरे कुछ कस्टमर ने ऑर्डर किया था तो उनको छूट गया था, तो मैंने दोबारा भिजवाया था। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये सब आपको साथ में ही मिलेगा। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप उनसे मांगें कि ये भी चाहिए, तो आपको प्रोवाइड करेंगे। अब जो है ये तो आपका हो गया पावर सप्लाई के लिए। ठीक है, और एक इसमें भी ना हमको ग्राउंड प्रोवाइड करना होगा, सॉरी 5 वोल्ट प्रोवाइड करना होगा। इस रिबन केबल के हेल्प से, इस टाइल से, इस वाले टाइल से इसको पावर मिल जाता है ग्राउंड, तो हम 5 वोल्ट प्रोवाइड करेंगे। तो 5 वोल्ट के लिए मैंने एक वायर ले लिया है, और ये वाले 5 वोल्ट में इसको जोड़ देंगे। उसके बाद आप सारे नट को टाइट कर लेंगे,
ठीक है, जैसा कि मैंने बोला था कि ग्राउंड जो है इसको कार्ड को इस वाले वायर से मिल जाते हैं, क्योंकि टाइल्स में हम 5 वोल्ट ग्राउंड प्रोवाइड कराते हैं तो इसको मिल जाते हैं। तो सिर्फ 5 वोल्ट के लिए मैंने ये एक्सटर्नल वायर यूज किया है, तो यहाँ पे आपको जोड़ देना है। बाकी आप दोनों भी जोड़ सकते हैं, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आपको सिर्फ यही करना है, आप दोनों कर सकते हैं। ये जो आपका W0 कार्ड है, ये सिर्फ आपको जो है मोबाइल ऐप से ही प्रोग्राम होगा, इसमें USB का ऑप्शन आपको कहीं दिख नहीं रहा है, तो इसमें USB से प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते हैं। अगर आपको USB वर्जन चाहिए तो उसके लिए दूसरा कार्ड आपको परचेज करना होगा। मैंने कार्ड का कनेक्शन कर दिया है, अब मुझे इस टाइल को पावर सप्लाई से कनेक्ट करना है। तो ये हमारा पावर सप्लाई है, तो यहाँ पे जो है इसमें दोनों जो मेन है 220 वोल्ट वो अदर सेक्शन में है, और जो आउटपुट है 5 वोल्ट जो है इसका आउटपुट वो अदर सेक्शन में। किसी किसी पावर सप्लाई में दोनों एक ही सेक्शन में होता है, जहाँ पे L और N लिखा होता है, जहाँ से आपको 220 वोल्ट देना है, और जो है 5 वोल्ट का भी सेक्शन बना होता है जहाँ पे V+ V- रहता है। तो हमारा जो है दोनों अलग अलग है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइव न्यूट्रल का अलग है और प्लस माइनस का अलग है। तो यहाँ पे मैं प्लस को प्लस से और माइनस को माइनस से कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारा कनेक्शन पूरा हुआ है। अब जो है मुझे इसको उलट करके रखना है ताकि आप लोगों को समझ में आए कि जो मैं कर रहा हूँ। तो मैं इसे जो है नीचे कुछ डाल दे रहा हूँ सपोर्ट के लिए। ठीक है, तो ये थोड़ा टेढ़ा है, कोई बात नहीं। अब जो हम इसमें पावर डालेंगे, तो ये यहाँ मेरा पावर आ चुका है, और यहाँ पे देखिए W0 1.24, तो यहाँ पे कुछ चाइनीज में चल रहा है। अब इसको जो है हम लोग सेट करेंगे। ठीक है, तो सेट करने के लिए जो है हम इसके लिए मोबाइल ऐप का यूज करेंगे, जो कि नेम है LED Art। तो इसको आप जो है ऐप को LED Art को कहाँ से डाउनलोड करना है, प्ले स्टोर से। ठीक है, ये LED Art कुछ इस टाइप का है, प्ले स्टोर पे आपको सर्च करने के बाद मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, वाईफाई से कनेक्ट होना है। तो यहाँ पे देखिए ये W0 नाम का वाईफाई आ चुका है हमारा। यहाँ पे पासवर्ड डालना है 8x8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या पासवर्ड डाला, ये बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी का पासवर्ड है, आप इसको सेट अपने अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकते हैं, और ये जो W0 नेम आ रहा है वो भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, ऐप खोलना है। ऐप खोलने के बाद जो है यहाँ पे न्यू डिस्प्ले में जाना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारा W0 आ गया, और इस पर क्लिक करना है। देखिए एक चीज़ और होता है इसमें, कि जब तक आप लोकेशन, हाँ मोबाइल डेटा और लोकेशन ऑन, मोबाइल डेटा तो आपका बंद होना चाहिए और लोकेशन ऑन होना चाहिए। ठीक है, फिर से जाते हैं बैक, तो देखिए ये आपका आ गया। मेरा जब मोबाइल डेटा ऑन था तो ये आपका कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, ऐड करना है। अब ये हमारा कितना टाइल्स है, 2 टाइल्स है। एक टाइल्स का हाइट जो होता है, हाइट में 16 LED होते हैं, विड्थ में 32 LED होते हैं, चौलाई में 32 और हाइट में 16। तो हमारे 2 टाइल्स हैं,
विड्थ में तो 32 एलईडी है और हाइट में भी हमारे 16 16 2 32, ठीक है। और यहाँ पे देखिए मैक्सिमम विड्थ जो है 320 है, मतलब आप इस कार्ड के थ्रू 10 टाइल चला सकते हैं, 10 ऊपर 10 नीचे, मतलब टोटल 20 टाइल चला सकते हैं। अभी हमारा 32 विड्थ और हाइट 32 है और ये ऑटोमेटिक डब्ल्यू सीरीज सेलेक्ट किया हुआ है, सिंगल कलर का टाइल है, ओके कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको कहाँ जाना है, टेक्स्ट में अब मुझे लिखना है वेलकम ऑल ऑफ यू, ठीक है। ये लिखने के बाद आप ये देखिए टेक्स्ट कंटिन्यूस नहीं चल रहा है, यहाँ पे आपको जा कर के एनिमेशन में इफेक्ट में जा कर के कंटिन्यूस मूव लेफ्ट, आपको जो जिस टाइप का रिक्वायरमेंट है आप उस टाइप का सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये इसको सेंड कर दिया है, तो ये मैंने रैंडम डिज़ाइन भेजा है तो ये अलग अलग दिखेगा, ठीक है। बैक जाके फिर जो है आपको यहाँ पे मैं इसे कंटिन्यूस मूव लेफ्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसका स्पीड जो है स्लो कर देता हूँ और मैं कुछ बॉर्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ और बॉर्डर का स्पीड देखिए यहाँ पे आप कंट्रोल कर सकते हैं, इस बटन पे प्रेस करना है तो बॉर्डर का स्पीड काफ़ी है तो मैं इसे सेंड करता हूँ, ठीक है। तो ये आपका दो लाइन का डिस्प्ले रेडी हो चुका है, आप इस तरीके से आप डिस्प्ले बना सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट टाइम उसके ऊपर वीडियो लाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।